तमाम दोस्तों की खिदमत में आचार्य मनोज कुमार का नमस्कार। राम राम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद है सभी बिल्कुल ठीक ठाक है, जहां भी रहें बिल्कुल स्वस्थ रहें। आज फिर से हम पारद गुटिका बना रहे हैं। पारद गुटिका कैसे बनानी है, किस तरीके से बनानी है, क्या फायदे होते हैं और किस तरीके से पारे को शुद्ध करना है, ये सभी मैं पूरी तरीके से आपको डिटेल बताऊंगा। अगर कोई वैद्य हकीम बनाना चाहे तो बिल्कुल इसको बना सकता है। सबसे पहले आपको पारद बाजार से लेना है, या तो आप बाजार से ले लें या फिर सिंगरप से आप पारा हासिल करें। हमने जो ये पारा लिया है ये सिंगरप से हासिल किया हुआ पारा है, तो बाजारी पारा भी आपको कुछ ज्यादा साफ स्वच्छ करना पड़ता है, बाकी सिंगरप से लिया हुआ पारा बिल्कुल शुद्ध पारा निकलता है। तो आप सबसे पहले सिंगरप से पारा निकालें। 50 ग्राम आपका पारा है तो इसके अंदर 50 ग्राम नमक का तेजाब डालकर उड़ा दें। हल्की हल्की आग पर तेजाब उड़ जाएगा। आग इतनी होनी चाहिए कि पारा ना उड़े, केवल तेजाब ही उड़े। ये जब तेजाब उड़ जाए तो आप यहां से पारा निकाल लें। इस पारे को 2 लीटर तुलसी के अर्क में डालकर घोटते रहें, घोटते रहें, घोटते रहें। करीब 3 दिन आप घोटेंगे तो 2 लीटर तुलसी अर्क बिल्कुल पूरी तरीके से इसके अंदर जा चुका होगा, उड़ चुका होगा और ये पारा बिल्कुल साफ आपके हाथ में मौजूद होगा। अब ये पारा आपको लेकर वरक के नुकरा यानी चांदी के वरक, केवल और केवल चांदी के वरक लेना है। चांदी की भस्म बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चांदी के वरक लेने हैं। ये चांदी के वरक लेकर इसको इसी तरीके से खरल करना है, जिस तरीके से मैं खरल कर रहा हूं उसी तरीके से आप सभी को इसको खरल करना है। जब आप इसको धीरे 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 खरल करेंगे तो ये बिल्कुल टाइट होने लग जाएगा। जब ये टाइट हो जाए तो आप इसकी गोली बांध लें। अब इस गोली को आप नींबू यानी टार्ट्रिक एसिड या नींबू का सत भी आप मार्केट में जाके बोलेंगे तो आपको बड़ी आसानी से पंसारी उपलब्ध करवा देगा। ये नींबू का जो सत है उसके अंदर 1/2 लीटर पानी डालकर ये आप गोली डाल दें। ये गोली थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, जब ये हार्ड हो जाए तो 5 लीटर तुलसी के अंदर इसको डालकर पका लें। धीरे 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 पकाते रहेंगे, करीब 7 से 8 दिन जब इसको कंटिन्यू आप पका लेंगे तो ये गोली आपकी बिल्कुल टाइट हो जाएगी। अब इस गोली का जो भी इसके अंदर कोई दोष है वो खत्म करने के लिए गाय का, देसी गाय का दूध लें और इस दूध के अंदर इस गोली को उबाल लें। जब ये गोली दूध के अंदर उबाल पूरा खा जाए तो आप इस उबले हुए दूध को कहीं किसी गड्ढा खोद कर कहीं डाल दें। अब ये आपकी गोली बिल्कुल तैयार है। इस गोली को आप दूध के अंदर डुबोकर पी सकते हैं, यानी कि 1 गिलास अगर आपने दूध लिया है तो गोली को डिप करना है, वापिस रख देना है और उस दूध को पी लेना है। बॉडी के तमाम रोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर इस गोली को आप गले में धारण करते हैं तो कभी भी किसी भी प्रकार का हृदय रोग उत्पन्न नहीं होगा, यानी हृदय का कोई भी रोग आपको नहीं लगेगा। इस गोली को पेट पे रखने से पेट की तमाम समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। 5 से 7 दिन इसको रोजाना नाभि के बीच में रखकर 20 मिनट तक लेटे रहना है। इससे पेट की सभी समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई भी काम, कहीं से भी किसी भी प्रकार का काम अगर रुका हुआ है, अटका हुआ है, तो आप इस गोली को धारण करें। आपका कैसा भी काम हो, कितना भी भारी काम हो, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो काम पूरा हो जाएगा। किसी भी प्रकार के ऊपरी बाहरी दोष, ऊपरी बाधा, भूत, डाकनी, शाकनी, चाक, चुड़ैल, जो कुछ भी होगा, इस गोली को आप ग्रहण करते, धारण करते ही आपके टोटली रोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। मैं करीबन 10 साल से लोगों को ये गुटिका उपलब्ध करवा रहा हूँ। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक मैंने जितने भी मरीजों को दिया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और बहुत जबरदस्त इसके फायदे हैं।
आप किसी भी प्रकार के रोग में आप इसको एक बार टच करें, जैसे कहीं बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा है तो इस गोली को उस जगह से पट्टी से बांध लें, किसी टेप वगैरह से चिपका लें, तो वो दर्द अपने अंदर से ये गोली खींच लेगी। ये कहने में जितने भी जो लोग किताबी पढ़े हुए हैं उनके समझ के बाहर की बातें हैं, ठीक है। कभी कभार जब मैं वीडियो डालता हूं तो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, बाकी आयुर्वेद में ऐसा बहुत कुछ संभव है, रसायन में ऐसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा ना कभी देखा होगा। देखना बहुत दूर की बात है, सुना भी नहीं होगा। इसी तरीके से जितने भी लोग जो यूट्यूब पर मैंने आज तक जो वीडियो देखे हैं, मैं कोई अपनी गोली की या अपनी गुटिका की तारीफ नहीं कर रहा हूं, जितने भी लोग ये गुटिका बनाते हैं, ये लेड यानी सीसा मिक्स करके ये गुटिका बनाते हैं और इनकी गुटिका चमकीली दिखाई देती है, मगर कुछ क्षण बाद अगर मरीज इसको 5 से 7 दिन इसको गले में धारण रखेगा तो ये गुटिका स्वयं काली हो जाएगी। जब गुटिका काली हो जाती है तो वो गुटिका लेड की बनी होती है यानी शीशे की बनी होती है और ये गुटिका कोई भी काम किसी भी प्रकार का काम नहीं करती है। तो अगर जिसको भी पारे की गुटिका या पारे का शिवलिंग या पारे का गणेश जी या पारे की माता जी किसी भी तरीके का एकदम ओरिजिनल पारद और चांदी के मिक्स से आप लैब से टेस्टिंग इसकी करवाएं कि कितना परसेंट इसमें चांदी है और कितना परसेंट पारा है, उसके बाद में आप इसको धारण करें या इसको खरीदें, जिस किसी से भी आप खरीदते हैं या जिस किसी से भी आप मंगवाते हैं तो अच्छी तरीके से इसको टेस्टिंग कर लें, या पहले उसको बोलें कि आप इसको किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, इसमें कितना परसेंट चांदी आएगा या कितना परसेंट पारा इसमें दिखाएगा लैब टेस्टिंग में, ये टोटली डिटेल आपको लेनी चाहिए। बाकी उम्मीद है कि मैंने जहां तक जो कुछ बताया है बिल्कुल आप लोगों के समझ में आया होगा, अच्छी तरह आप लोगों ने समझा होगा। तो इसी तरीके से ये गुटिका बनानी है। अभी मैं करीबन 20 गुटिका, ये 200 ग्राम पारा है जो आप देख रहे हैं, 200 ग्राम पारा, तो आप इसमें 20 से 22 गुटिका तैयार होती है 10-10 ग्राम की, क्योंकि चांदी का वजन, जो चांदी वर्क है नुकरे का वजन जब इसमें आता है तो करीब 22 गोलियां इसकी तैयार होगी। 20 गोली का कहीं किसी का ऑर्डर आया हुआ है तो सोचा आप सभी के सामने फिर से एक वीडियो डाल दूं ताकि आप लोग इसके बारे में कुछ अच्छे से समझ सकें। जी उम्मीद है सभी को अच्छे से समझ आया होगा। जी नमो नारायण।